कितनी बार? ये 20 रुपए पाओ। अरे सचिन को तुम यहाँ? हाँ फोन रिपेयर कराने आया था, तुम दिख गई। घर ही जा रही हूँ, चाय भी बना दूंगी। चलो पीछे हटो। आजकल दोपहर में चाय ना पियो ना तो मेरा सर फटने लगता है। फालतू की चीजें सोचती हो ना तुम, इसलिए फटता है। एक तो मम्मी जी और मेरी दोनों की दवाइयाँ याद रखनी पड़ती है। ऊपर से जब से खुशी ने स्कूल जाना शुरू किया है तब से तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। पता नहीं तुम पर कैसे चली गई खुशी, मैं तो पूरा दिन पढ़ता रहता था। अच्छा मम्मी जी तो कुछ और ही कहती है। अरे मम्मी जी की याददाश्त कमजोर हो गई। मैं सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर अच्छे से तैयार होकर पूरा खाना वाना खा के फिर स्कूल जाता था। तो पूरा दिन खेलते नहीं थे तो? क्या सारा दिन खेलता रहता है? मुझे बहुत भूख है। यही पढ़ाई कर, मैं आती हूँ खाना लेके। बेटा खाना खा ले। हाँ रख दो, बाद में खाता हूँ। अच्छा सुन, 2-4 दिन और रुक जाने इधर। नहीं माँ, इंटरव्यू है, कॉलेज जाकर ही काम होगा। ठीक है, लड्डू रख दिए तेरे बैग में, सबको मत खिला देना। और क्या रात रात भर पढ़ता रहता है? अच्छा पुरानी बातें तो बहुत हो गई, ये बताओ तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अरे चलो ना साइड दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं तुम लेकर चलो ना मुझे, अब तो वैसे भी स्कूटी चलाना सीख गई हूँ। अब से क्या मतलब? स्कूटी चलाना तो मुझे पहले भी आता था। हाँ पहले तुम्हें साइकिल चलाना भी आता ही था। अगर साइकिल चलाना नहीं आता होता ना तो हम नहीं मिलते। Congratulations, Mr. Satyendra Dubey. IIT Kanpur के सिविल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज लगा है। थोड़े तो खुश दिखो। हाँ हाँ खुशी हूँ मैं। और ये क्या कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन था ना, सिर्फ मैं ही क्यों? हाँ स्पेशल सेलिब्रेशन सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है ना। यार कितना प्यार करते थे ना तुम मुझे, कॉलेज डेज में सो रोमांटिक। मैं तो हमेशा ही करता हूँ। रहने दो, तुम मत ही कहो तो अच्छा है। तुम सिर्फ अपने ऑफिस से प्यार करते हो, कभी की है आज तक किसी चीज में मेरी मदद? ऑफिस से क्या प्रॉब्लम है, काम ही तो कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुझे नहीं करनी ऑफिस की बातें, वैसे भी मेरा सर दुख रहा है। अच्छा दवाई चाय के बाद ले लेना। और कल्पना तुम्हें याद है जब हम नए नए इस घर में आए थे? घर तो बहुत अच्छा है बेटा, पर इतने बड़े शहर की भीड़ भाड़ में मैं कैसे रह पाऊंगी? वहाँ अच्छा शहर है ये, और गांव में आप अकेली थी, कुछ दिन में आदत हो जाएगी आपको हमारे होने वाले बच्चे के साथ। नहीं खेलना सत्येंद्र दरवाजा खोलो। हुआ क्या है तुम्हें, कुछ बताओ तो सही, इतने परेशान से क्यों लग रहे हो?
बोलोगे भी? एटलीस्ट चीजें शेयर तो करो मुझसे। कल्पना तुम्हें पता है पिछले 4 decades में 2000 bridges collapse हुए हैं और जितनी सड़कें completed mark हुई है उनमें से 25% कभी बनी ही नहीं because of corruption। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? इन सब से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? आज मुझे ऑफिस में एक मेल आया जो कि मेरे सीनियर सत्येंद्र द्विवेदी को आना चाहिए था। अब पता नहीं है मेरी किस्मत थी या कुछ गलती हुई, पर ये मेल में लिखा है कि हमारी कंपनी जो अगला 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट करने वाली थी उसमें से 250 करोड़ हम ऑलरेडी सरकार को खिला चुके हैं और अब हम सस्ते में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सस्ते मटेरियल यूज ले रहे हैं। और यार इसमें कितनी जानी जा सकती है। आई नीड टू डू समथिंग। अब क्या करोगे तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी कंपनी ऐसा करेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मुझे क्या मिलेगा? अरे मैं खुद को देख पाऊंगा आईने में। तुम्हें पता है अभी 30 अक्टूबर को मोरबी में ब्रिज गिरा था, 150 लोग मरे हैं यार उसमें। बहुत सीरियस इशू है ये। मैं कल ऑफिस जाके एक एक फाइल चेक करने वाला हूँ और इनके अगेंस्ट जो मिलेगा सब इकट्ठा करने वाला हूँ। हेलो कल्पना, हाँ मैंने मेल्स लिखे थे, सबको बता दिया है और अभी मिनिस्टर साहब का कॉल आया मुझे। ही इज वेरी हैप्पी विद मी, बहुत तारीफ कर रहे थे और उन्हें ऑफिस मिलने बुलाया है। अभी निकल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं रुको, पहले घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समझो यार, जाना पड़ेगा मुझे और सब ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरे आने तक दरवाजा मत खोलना। नहीं सर, प्लीज एक बार घर आ जाओ पहले। अच्छा यार आता हूँ। हाँ सर आता हूँ। एक चाय देना। और क्या रात रात भर पड़ता रहता है?
माँ बड़ा आदमी बनना है, बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, बहुत पैसे कमाने हैं, अब सपने पूरे करने के लिए जागना तो पड़ेगा। बेटा ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोगों के दिल भी बड़े हों, अक्सर ऊंची बिल्डिंग्स में नीचे काम भी होते हैं, और हमें ज़्यादा पैसे नहीं ज़्यादा लोग कमाने हैं।